ग्रामीण टीवी यूट्यूब चैनल में हम आप सबका स्वागत करते हैं। और आज हम बात करेंगे दोस्तों, ये बड़ा बाजार है, बहुत पुराना बाजार है और इस बाजार में अक्सर बंगाल के हर एक जो है कि बाजार में हमने देखा है कि ये लॉटरी का जो खेल है, ये आप देख सकते हैं मैं छू रहा हूँ, और इसका जो खेल है कि हर चौक चौराहे पर होता है और यहाँ के लोगों का अटूट भरोसा विश्वास है। और कल की बात है कि एक आदमी को यहीं का मार्केट का, बड़ा बाजार का मार्केट का 90,000 का प्राइस लगा है और ये भाई साहब लोग काफ़ी इसमें ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं। मैं पढ़ के बता दूं कि ये नागालैंड स्टेट लॉटरीज, मतलब नागालैंड स्टेट का ये प्रोग्राम है और ये मोबाइल के माध्यम से इनका रिजल्ट आता है और लोग इसको जो है कि काफ़ी इन्जॉय करते हैं। बहुत सारे लोगों को 1 करोड़ तक पर भी प्राइस लगा है, लेकिन इसका प्रचलन हम झारखंड में नहीं देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कितने लोगों की रुचि है, मैं देश दुनिया की भी बात करूँगा आप लोगों के बीच में। अच्छा बताइए दादा, आपका नाम क्या है? तापस दिवोर। अच्छा तापस जी, बताइए कि ये नागालैंड स्टेट लॉटरीज है, अच्छा इसको मतलब यहाँ के लोग खरीदते हैं? खरीदती है, थोड़ा 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 खरीदती है, सब लोग नहीं लेते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब सब लोग नहीं खरीदते हैं, जिसको जिसको पसंद आता है वो लोग खरीदते हैं। हाँ अच्छा, एक बात बताइए कि महंगाई के दौर में अभी लॉटरी आपका धंधा ये सब चल रहा है अच्छा से? अच्छा से नहीं चल रहा है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है संजय महतो। लोगों को गैस सिलेंडर मिला, ठीक है आपकी बात हम मान रहे हैं, लेकिन आज वो गैस सिलेंडर भरने में लोग समर्थ हैं? देखिए ऐसा दौर हुआ है कि महंगाई का दौर हुआ है, जब 2014 की पहले आप लोग बोलते हैं कि गैस का दाम इतना था, आज 2021 में आके गैस का दाम बढ़ गया। अब लेबर का एक लेबर का पेमेंट कितना था 2014 में, कितना था? 130 रुपीज था ना। अब अभी कितना हुआ है? 300 नॉट 250 300 रुपीज हुआ है अभी तक। मतलब आपको गैस सिलेंडर की महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, रोजगार तो हो रहा है। नहीं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं इस पे आपको फर्क नहीं पड़ता? देखिए पेट्रोल के दाम बढ़ गया इससे नहीं, नहीं नहीं नहीं, जो लोग कमाए, जो लोग का कमाई नहीं है वो लोग कैसे कर गया गैस भरे? कमाई, यस भाई साहब बोल रहे कि नहीं, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा इससे फर्क पड़ता है? नहीं, कमाई तो आप, कमाई बढ़ रहा है नहीं, आपको फर्क लग तो नहीं? नहीं नहीं, मेरे ठीक है, कोई हाथ काटा हो वो कैसे गैस भरे? ठीक है भाई, उसके लिए तो छूट दिए थे ना। ओहो, मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा इसमें पब्लिक को फर्क पड़ता है कि नहीं? हाँ हुआ है, लेकिन पेट्रोल का दाम में फर्क नहीं पड़ता? अवश्य। सरसों का तेल का दाम में फर्क नहीं? नहीं, वो तो स्टेट का अंडर में है। ये फर्क पड़ता है कि नहीं? फर्क तो पड़ता है। महंगाई बढ़ी है कि नहीं? बढ़ा है, रोजगार भी बढ़ा है। बेरोजगार बढ़ी है कि नहीं? रोजगार, बेरोजगारी भी बढ़ी है। रोजगार कहाँ लोगों का? अभी सुनिए एक मिनट, मोदी जी सुनिए, अगर ममता दी नहीं रहते तो और भी बेकार बढ़ जाते, क्योंकि इधर सिविक भी बहुत हो गया, जो बेरोजगार है उधर बेरोजगार को काम दे दिया। अगर ममता बनर्जी नहीं रहते तो वो लोग भी बेकार हो जाते, अगर ये भी नहीं रहेंगे ना तो और भी बेकार बढ़ जाएंगे। देखिए दादा, इसका सब इस तो ये भी हटाएंगे? नहीं नहीं, इसका जवाब हम दे रहे हैं, ठीक है हम लोग भैया, ये बंगाल क्या कैसे चल रहा है पता है आपको? ये दारू और ये लॉटरी ये सब से चल रहा है, कहाँ है विकास की बातें, कहाँ गया विकास की बात? बंगाल जो है कि दारू और लॉटरी से चल रहा है। सुनिए आपकी आपकी बात को ममता जी भी तो नहीं नहीं, ये विकास हुआ है कि भैया नहीं आप बताइए, आप बताइए, अगर नहीं ममता दी नहीं रहते तो बहुत लोग भूखा मर जाते। नहीं आप बताए कि रेशन कार्ड यहाँ पे, मैं बता दूँ बहुत सारे लोग हैं लेकिन कैमरा के आउटसाइड में है, लेकिन दो ही लोग बात कर रहे हैं। दारू और लॉटरी से चलेगा विकास होगा बंगाल का, आप मानते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मानते हैं? नहीं बिल्कुल। तो फिर आपको इंडस्ट्री लगाना? एक मिनट दादा आप बताइए, ठीक है हमको भी बंगला आती है, बंगला बोल सकते हैं। अच्छा एक बात, निजीकरण जो हुआ, मान के रेलवे का निजीकरण हुआ, बैंक का निजीकरण हो रहा है और भी जितना भी एयरटेल BSNL का निजीकरण हुआ, इससे आप कितना संतुष्ट? देखिए एक प्रकार की संतुष्टि, मतलब मोदी जी का ये सब अच्छा कार्य है? हाँ कार्य तो अच्छा ही चल रहा है,
कुछ कार्य ऐसा हो रहा है कि भले के लिए हो रहा है, देश के हित में। आप कौन सा फोन यूज करते हैं? मैं तो एंड्रॉयड वाला हूँ, ओप्पो। एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं ना, तो आप किसका सिम लगाए हैं? ये मेरा एयरटेल का है। आगे जो अंग्रेज का सरकार था, हम लोग को नहीं, आगे का लोग का जो गुलाम करके रखते थे, अभी वही टाइम नहीं है। अगर ब्लॉक में एक तिरपाल आते हैं तो सबको मालूम पता हो जाते हैं कि ब्लॉक में तिरपाल आ जाते हैं, तो सभी को मालूम हो जाता है। इधर ममता आपका आपका मतलब आपका कहने का मतलब यह रहेगा कि ममता जी सुशासन का सरकार चला रहे हैं। आप जवाब दें, आप इनका प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, ठीक है? ये नहीं रहते तो कोई भी आ जाते ना, सब दबा के इधर एक मिनट जवाब दे रहे हैं, ठीक है? एक मिनट, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, ये मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं, ये ममता जी का सपोर्ट। ममता बनर्जी ने आजादी दे दिया सब लोगों को, वही बता रहे हैं। कोई भी किसी को गाली दे, कोई भी नेता को, अगर वो एक रुपया चुराएंगे तो उसी को गाली दो, वो कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, क्या ममता जी से आप खुश है कि नरेंद्र मोदी से? दोनों में से ही खुश है। अच्छा, ममता जी अपना जगह पर है। अच्छा, ममता जी का कुछ ऐसा काम बताइए जो यहाँ के लोगों के लिए किया है। देखिए, ममता जी गरीब लोगों के लिए काफ़ी कुछ किया, उसका जो प्रपोजल है वो काफ़ी अच्छा काम किया, ऐसी बात नहीं है। और नरेंद्र मोदी अपना जगह पर काफ़ी अच्छा काम किया। अच्छा, एक बात बताइए दादा हमको कि आप नरेंद्र मोदी जी का काम से बहुत खुश हैं कि नहीं? नहीं, बहुत खुश नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी काम अच्छा कर रहे हैं। काम अच्छा, क्या अच्छा काम कर रहा है? पेट्रोल का दाम बढ़ गया, खुश हैं आप? हर चीज़ का दाम बढ़ा है। क्या चीज़ का दाम बढ़ा नहीं, आप बताइए। देश इतना आपको खुशी हो रही है कि नहीं? अच्छे दिन आ गए? नहीं, अच्छे दिन नहीं बोलेंगे, अच्छे दिन की बात नहीं। क्या दिन बोलिएगा, बताइए। लेकिन स्वाभाविक से रूप से चल रहा है, सही से स्वाभाविक से चल रहा है। अच्छे दिन की बात नहीं, अच्छे दिन कहाँ है? अच्छे दिन किसी का नहीं है, और कोई देश में नहीं, इसी भारत में नहीं, हर जगह में कोरोना के लिए कमर तोड़ दिया हर चीज़ में। तो ये महंगाई जो बढ़ी है, यानी लगता है कि यहाँ के लोगों को महंगाई ज़्यादा हुआ है? जी, ये बात तो सही है, महंगाई तो ज़्यादा हुआ, हर चीज़ में महंगाई बढ़ा। आप नरेंद्र मोदी जी से या तो यहाँ की ममता सरकार से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नियंत्रण रहना चाहिए हर चीज़ में, जैसे पेट्रोल डीजल के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें नियंत्रण रहना चाहिए, गैस में नियंत्रण रहना चाहिए। और एक चीज़ है जो सरकार जो गवर्नमेंट जो प्राइवेट कंपनी को जो देश का जो बड़ी बड़ी चीज़ें दे रहे हैं, या आप हो सके लीज में दो या कुछ भी करके दो, ये चीज़ गलत है, इसको पकड़ के रखना चाहिए, सोचना चाहिए। आप निजीकरण से खुश हैं भैया? देखिए, निजीकरण एक प्रकार की जो सरकार है ना, जो सरकार चला रहे हैं, हम लोग मेरे को लगता है कि जोर से बोलिए ना, डरते क्या के लिए? क्या मोदी जी से डर रहे हैं आप? नहीं, मोदी, अरे मोदी जी तो निजीकरण से आप खुश हैं? हम खुश हैं निजीकरण से, खुश हैं भैया। आप सरकार जो है कि बैंकों को प्राइवेट कर रही है, रेलवे को प्राइवेट कर रही है, इससे आप खुश हैं क्या? नहीं, ये भाई साहब को बोल रहे हैं, इसका जो मनना है। बोलिए बोलिए, आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? हम बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि मोदी सरकार बैंकों को प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, रेलवे को प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, बिजली को प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, इनको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको क्यों अच्छा? नहीं, अच्छा नहीं होता। कैसे अच्छा नहीं लग रहा? वो तो सब कंपनी को दे देता।